नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शाहीन बाग के नाम पर आप देश को गाली देंगे, देश विरोधी नारे लगाएंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रखने का राग अलापेंगे, आजाद भारत में आजादी के नारे लगाएंगे, जिन्ना वाली आजादी की वकालत करेंगे, छोटे छोटे बच्चों को हिटलर वाली चालें समझाएंगे, महिलाओं को आगे करके झूठ की बिना पर बीच सड़क पर धरना देंगे, देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जमकर गालियां देंगे, देश की सर्वोच्च अदालत के फैसलों की सरेआम खिलाफत करेंगे, अपने धर्म के अलावा बाकी सब धर्मों को कोसेंगे, संसद से पारित कानूनों और संशोधनों पर कीचड़ उछालेंगे और फिर दुहाई देंगे अभिव्यक्ति की आज़ादी की और देश के संविधान की। तो ऐसा कैसे और कब तक चल सकता है? कभी तो कहीं पर कोई तो इन सब पर रोक लगाएगा, क्योंकि लोगों का सब्र अब जवाब देने लगा है। लोग बेबस होकर सरकार की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आज एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस वीडियो के दो हिस्से हैं। दोनों ही हिस्सों में एक ही महिला नजर आती है, लेकिन दोनों के वक्त में फर्क है और दोनों के अंदाज और जुबान में जमीन आसमान का फर्क है। पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर इसकी कहानी बताऊंगी तो आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। मोदी, अमित शाह में बड़ी बड़ी आंखें दिखा के टीवी में डराना चाहता है, क्या कहना चाहता है? और उसके साथ साथ हिंदू लोग क्यों हमारे खिलाफ हो गए? जहां मैं पढ़ाती हूं वहां मैं अकेली मुसलमान हूं, हाईली एजुकेटेड, उसमें मैं वहां वर्क कर रही हूं, लेकिन वहां के हिंदू टीचर्स बहुत गंदी बातें मुस्लिम के बारे में बोलते हैं। उनका कहना ये सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। ये था वीडियो का पहला हिस्सा। आपने मोहतरमा के तेवर देखे, लेकिन ये तेवर कैसे हवा हो जाते हैं वो देखे वीडियो के इस हिस्से में। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पेरेंट्स भी नहीं हैं, बहन भाई भी नहीं हैं, और मैं बहुत सालों से, पिछले 25 साल से नौकरी कर रही हूँ, शहर के सभी बड़े स्कूलों में पढ़ाया है और साथ साथ में पढ़ाई भी पूरी की और बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से पढ़ाती हूँ, ये सभी जानते हैं। शहर के आधे से ज़्यादा बच्चे शायद मुझसे पढ़े हैं। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पहला वीडियो तब का है जब ये मोहतरमा शाहीन बाग पहुँची थी और दूसरा वीडियो उसके बाद का है। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से विरोध के नाम पर तमाशा करने वाले और हिंसा भड़काने वालों के साथ सलूक किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। अब आपको बताती हूँ इस मोहतरमा की कहानी। योगी जी के डंडे के डर से ये खुद को शेरनी बताने वाली कैसे भीगी बिल्ली बन गई, कैसे माफ़ी मांगने लगी। दरअसल इनका नाम नाहिदा जैदी है और ये सहारनपुर के आशा मॉडर्न स्कूल में टीचर हैं। 19 जनवरी को ये भी दिल्ली के शाहीन बाग आई थी, बड़े जोश में थी, नेतागिरी का जुनून भी था इन पर सवार। आजकल वैसे भी कुछ लोगों को नेतागिरी का शौक चढ़ा हुआ है। सोशल मीडिया में एक दो लाइनें क्या लिख दी, उधार के दो शेयर कॉपी पेस्ट कर दिए और खुद को नेता समझने लगते हैं। वैसे भी शाहीन बाग में ऐसे टटपूंजे नेताओं की आजकल बड़ी भरमार है। कुछ तो भरी जवानी में नेता बनने का ख्वाब देख रहे हैं और कुछ बुढ़ापे में इस ख्वाहिश को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। अब इसी मोहतरमा को देखिए, नेतागिरी के चक्कर में सहारनपुर से दिल्ली के शाहीन बाग में कूद गईं। अब इतने जोश में थी कि कुछ भी बोलती चली गईं, देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के बारे में भी अपमानित भाषा का इस्तेमाल कर बैठी। जिस तरह के लफ्जों का वो इस्तेमाल कर रही थी, कहीं लगा ही नहीं कि वो बच्चों को पढ़ाने वाली एक टीचर है। जरा सुनिए उनका नेतागिरी वाला ये भाषण। हम लोग एक बहुत बड़ा ग्रुप सहारनपुर यूपी से आए हैं इस प्रोटेस्ट में शरीक होने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मुस्लिम्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ग्लोब यूनाइटेड हैं। अगर हमारे साथ कोई भी ज्यादती होगी तो हम नहीं सहेंगे। बहुत कुछ जुल्म सह लिए, कश्मीर को देख लिया, 3 तलाक देखा, अयोध्या का कब्जा देखा, इन लोगों का नाजायज कब्जा, और अब CAA, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी और सभी लोग यूनाइटेड हैं। वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीवन, ना मोदी ना अमित शाह, कोई हमें डरा नहीं सकता, कुछ भी बोले वो मीडिया में, वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीवन, वी ऑल आर यूनाइटेड। मुस्लिम्स कमजोर नहीं है, हम लोग खुदा से डरते हैं, खुदा के डर से हर काम करते हैं, ईमान पहले है, बाकी सब चीजें बाद में है। कैसे हमें ये लोग कहते हैं कि हम अलग हैं यहाँ से? हम लोग एजुकेटेड हैं, मैं यूपी से आई हूँ, मैं एक टीचर हूँ। ये भी एक मिथ है कि मुस्लिम गरीब है, मुस्लिम कमजोर है या मुस्लिम इलिटरेट है। हम लोग सब पढ़े लिखे, मजबूत, और अपने इरादों को भी जानते हैं, एम्बिशंस को भी जानते हैं, राइट्स भी जानते हैं, अपनी ड्यूटीज भी जानते हैं। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान।
रहा हमारा। और एक शेर और यहाँ पे अर्ज है, इकबाल साहब का शेर है, याद दिलाने के लिए कि मुस्लिम्स के लिए उन्होंने ये दो लाइंस लिखी थी जो कि हमारे नेशनल सॉन्ग से काट दी गई बाद में। ये नेशनल सॉन्ग का पार्ट था सारे जहाँ से अच्छा का। ए आबरू दे गंगा, ए आबरू दे गंगा, क्या दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। वो कारवां मुसलमानों का था जो यहाँ बसने आया था। हमारे पेरेंट्स, मेरे अपने खुद के पेरेंट्स, दादा परदादा इसी जमीन के अंदर दफन हैं। हम तो मर के भी इस जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, ह्यूमस बन जाते हैं। मुसलमान की तो खाक इसी जमीन में, इसी में शामिल है हम तो खाक का हिस्सा है। ये जमीन हमारी है, ये हवा हमारी है, ये पानी हमारा है। कैसे तुम कह सकते हो कि मुसलमान यहाँ का नहीं है? कैसे तुम एनआरसी लगा सकते हो हमारे ऊपर? हम लोग एजुकेटेड है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, पढ़ा भी रहे हैं। मैं क्लास 12th को पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ही पढ़ाती हूँ, बहुत अच्छे से मालूम है कि आज़ादी कैसे मिली हिंदुस्तान को। आरएसएस तो बिका हुआ था, क्या किया आरएसएस ने? पैसा खर्च किया, जाने दी, खून बहाया मुसलमानों ने। आज आज़ादी का गलत फायदा कौन उठा रहा है? मोदी, अमित शाह में बड़ी बड़ी आंखें दिखा के टीवी में डराना चाहता है, क्या कहना चाहता है? और उसके साथ साथ हिंदू लोग क्यों हमारे खिलाफ हो गए? जहां मैं पढ़ाती हूँ वहां मैं अकेली मुसलमान हूँ, हाईली एजुकेटेड, इसलिए मैं वहां वर्क कर रही हूँ। लेकिन वहां के हिंदू टीचर्स बहुत गंदी बातें मुस्लिम्स के बारे में बोलते हैं। उन लोग कहना ये सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, सब बुरे हैं। कैसे उन लोग ये बात कह सकते हैं? रोज बात झगड़े होते हैं। इसलिए हम न्यूट्रल दिखाने यहाँ आए हैं कि हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं। हिंदुस्तान हमारा भी है, हमारा भी शेर है, हम इंसाफ के लिए यहाँ आए हैं। सुना आपने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही थी, कितना जहर उगल रही थी। वैसे ये यहाँ CAA के खिलाफ धरने में शामिल होने के लिए आई थी, लेकिन बातों बातों में शाहीन बाग की असलियत भी बताती चली गई। तीन तलाक पर आए फैसले, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का मामला और राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम समुदाय क्या सोच रखता है, उसकी पूरी पोल खोल दी इन मोहतरमा ने। हैरानी की बात यह है कि वो खुद को पढ़ी लिखी बता रही हैं और CAA पर एक शब्द भी नहीं बोल पाई कि आखिर ये कानून मुसलमानों के लिए नुकसानदेह कैसे है। समझने वाली बात यह है कि पढ़े लिखे लोग भी मुस्लिम समुदाय में ऐसी सोच रखते हैं, या आपको भी अब तक समझ में आ गया होगा। जब ये जहर उगल रही थी तब तो इन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि ये नेतागिरी कितनी भारी पड़ सकती है इन्हें। अब बात निकली है तो भाई दूर तलक तो जाएगी ही। शाहीन बाग में इतनी बकवास करने के बाद जब नाहिदा जैदी वापस सहारनपुर पहुंची तो उनका ये वीडियो वायरल हो चुका था और फिर होने लगा स्कूल के बाहर हंगामा। उत्तर प्रदेश में इस तरह की देश विरोधी जुबान बोलने वालों पर पहले ही योगी सरकार शिकंजा कसती आ रही है, और जब हंगामा मचा तो स्कूल मैनेजमेंट ने कर दिया इन्हें सस्पेंड। और अब जब होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, आंसुओं के अलावा इनके पास कुछ बचा ही नहीं था। मामला कुछ भी नहीं था, डेली मैं जाती रहती हूँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पेरेंट्स भी नहीं हैं, बहन भाई भी नहीं हैं, और मैं बहुत सालों से पिछले 25 साल से नौकरी कर रही हूँ, शहर के सभी बड़े स्कूलों में पढ़ाया है और साथ साथ में पढ़ाई भी पूरी की और बहुत अच्छे से बहुत मेहनत से पढ़ाती हूँ, ये सभी जानते हैं। शहर के आधे ज़्यादा बच्चे शायद मुझसे पढ़े हैं। कुछ लोग मेरे धर्म के बारे में गलत बोलते थे, मुझे वो बातें चुभती थीं, कहीं मेरे दिल में था, पता नहीं वो क्यों गलती से मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, कुछ गलत अल्फाज निकल आए। अदरवाइज़ मैं किसी भी धर्म को बुरा नहीं कहती, हमेशा से सभी के साथ पढ़ा है, सभी धर्म के लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, अपने सभी स्टूडेंट्स को अपना बच्चा समझ के मैंने पढ़ाया है। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया कि हिंदू है या मुस्लिम है, कुछ भी ऐसा नहीं है। कुछ लोग कुछ यहाँ से जा रहे थे शाहीन बाग, मैं तो दिल्ली गई हुई थी ऐसी घूमने के लिए, देखने के लिए चले गए कि वहाँ क्या हो रहा है, संडे की छुट्टी थी, और वहाँ पे कुछ लोग जैसे आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, और कुछ क्वेश्चन उन्होंने बड़े अजीब से पूछे जिसके मैंने जवाब दिए, लेकिन जो अच्छी बातें थी उनको एडिट कर दिया गया और कुछ गलत बातों को फोकस करके वो वीडियोज़ एडिट करके डाली गई हैं सिर्फ मुझे ब्लेम करने के लिए। मैं कैसे सोसाइटी को हार्म कर सकती हूँ? जिंदगी, पूरी जिंदगी मैंने अपनी इस टीचिंग प्रोफेशन को दी है, जिंदगी में सिर्फ पढ़ा है और पढ़ाया है, यतीम मिस्कीन बिल्कुल बेसहारा हूँ मैं, और सारी सोसाइटी मुझ पर अटैक करने क्यों आ रही है? मेरे खिलाफ एक साजिश है, कौन कर रहा है ये खुदा जानता है,
मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, मैं तो असहाय बिल्कुल अकेली एक लड़की हूँ। कौन मुझे सता रहा है उसका इंसाफ खुदा करेगा। कुछ बड़े लोगों का हाथ है इसके पीछे, वो रंजना नैब है और भी कई लोग हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ ये सब कुछ करवाया, फेसबुक पे डाला। वो वीडियो एक महीने पुराना है, मैं 19 जनवरी को शाहीन बाग गई थी। देखा आपने, जब योगी जी का डंडा चला तो सुर और तेवर कैसे बदल गए और आ गए आंख में आंसू, शेरनी कैसे बन गई भीगी बिल्ली। हैरानी की बात यह है कि मैडम को अचानक ये भी ख्याल आ गया कि वो तो यतीम है, शहर के बच्चों को पढ़ाती हैं, कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, नेतागिरी के चक्कर में कैसे मैडम की कलई खुल गई ये तो पूरी दुनिया को अब पता चल गया है। लेकिन मैडम भी कम नहीं है, विक्टिम कार्ड खेलने का खेल भी शुरू कर दिया उन्होंने। जुबान कैसे फिसल गई ये गलती भी याद आ गई। अब जब चली गई नौकरी तो आ गया होश। अब कोई पूछे इनसे कि जब आप देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को गाली निकालने सहारनपुर से दिल्ली के शाहीन बाग जा रही थी, तब आपको यह एहसास नहीं हुआ कि आप एक टीचर हैं? आपकी ऐसी भाषा, ऐसा जहर आपके छात्रों पर क्या असर छोड़ेगा? जब आपको देश के लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा ही नहीं है तो फिर किस हक की बात आप कर रही हैं? आपको क्या लगा कि दिल्ली में उगला गया जहर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तक पहुंचेगा ही नहीं? लेकिन आप भूल गई थी कि आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं जहां योगी सरकार है। आपने CAA की आड़ में उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत दूसरे शहरों में आगजनी और दंगा करने वालों के हाल के बारे में तो सुना होगा, जितने भी लोगों ने सड़क पर बसों और गाड़ियों को आग लगाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, उनसे उस नुकसान की वसूली की कार्रवाई शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। आप देश विरोधी नारे लगाकर बेलगाम होकर सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं। अब नाहिदा जैदी की समस्या ये है कि वो दिल्ली के शाहीन बाग तो आई लेकिन भूल गई कि दिल्ली से वापस तो उन्हें अपने घर सहारनपुर ही जाना है। वो ये भूल गई कि शाहीन बाग तो उस दिल्ली में आता है जहां केजरीवाल की सरकार है, जिसने चुनावी फायदे के लिए अपने नेता अमानतुल्ला के जरिए शाहीन बाग को बीच सड़क में बसाया था। यहां पिछले करीब 70 दिन से हर रोज लगातार देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, देश के टुकड़े करने की मंशा से लोग मंच पर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। लेकिन चूंकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है तो देश विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और केजरीवाल सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, ये भी मैं आपको साफ कर दूं। हाँ, अगर वाकई उनमें देशभक्ति का जज्बा होता तो वो JNU में देश विरोधी नारे लगाने के दोषी कन्हैया और खालिद की फाइल को दबाकर नहीं बैठते, उनके खिलाफ अब तक मामला चल चुका होता। नाहिदा जैदी को तो रोने धोने के बाद लिखित में माफीनामा देने के बाद स्कूल प्रशासन ने नौकरी पर बहाल कर दिया। लेकिन जरा सोचिए, नाहिदा सरीखे लोग अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो किस तरह के नागरिक बनेंगे? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए CAAProtest। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।